से निकलेगा वो भी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी जांच का करेंगे और बोले भी हैं कि हम लोग ने बोले हैं कि राजनीति का सीबीआई जांच के लिए हम लोग भी करेंगे, तो कई जगह बोले भी हैं। आज सुशांत सिंह जी के परिवार से हमारी मुलाकात हुई। हम सब लोगों को इसका दुख है, दर्द है कि बिहार नहीं नहीं बल्कि देश ने एक यूथ आइकन को खोया है। सुशांत सिंह बेहद टैलेंटेड, एजुकेटेड और बिना कोई गॉड फादर होते हुए उन्होंने जो बॉलीवुड में अपना एक स्पेस बनाया, उसकी कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। ये जब खबर हमको मिली थी तब मैं राघोपुर में था और वापस घर लौटते लौटते रात हो गया। जब पता चला, संपर्क किया हमने परिवार के लोगों से, तो अगले दिन इनको बॉम्बे जाना था, इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आज 13वीं है और आज हम लोग जो हैं श्रद्धांजलि देने आए हैं और संवेदनाएं परिजनों के लिए हम लोगों ने प्रकट किया है। हमारी मांग होगी और हमारी चाह है, क्योंकि बार बार सुशांत सिंह जैसे लोग धरती पर पैदा नहीं होते जो टैलेंटेड है, क्योंकि काफ़ी कम समय में, कम उम्र में जो मुकाम उन्होंने पाया उस पर किसी को शक नहीं है। राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है, राजगीर का जो फिल्म सिटी बन रहा है, हमारी मांग होगी कि राजगीर के फिल्म सिटी का नाम जो है वो सुशांत सिंह के नाम पे किया जाए, ये हमारी मांग है। सवाल इस पे जांच को लेकर के होता है, परिवार की जो राय होगी, जो मांग होगी उसके समर्थन में हम रहेंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर जांच हो, इसकी मांग महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से भी करेंगे। और भी उच्च स्तरीय अगर जांच की ज़रूरत है तो जैसा परिवार के लोगों की मांग होगी उसका हमारा पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन हम बिहार सरकार से, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मांग करते हैं कि राजगीर का फिल्म सिटी का नामकरण जो है सुशांत सिंह के नाम पे होना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। और भगवान करे, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको परिवार को बल मिले, मजबूत रहें और एक समाज में भी एक मैसेज जाना चाहिए जो फिल्म सिटी को लेकर के हो, ताकि लोग जो इनको याद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।